नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से JPSC, JSSC और झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसका तैयारी करते हैं इस चैनल के माध्यम से। और आज हम लोग विशेष टॉपिक JPSC 7th to 10th JPSC जो है इसका चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम बताएंगे कि जो अभी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को वही देखें जो JPSC का कैंडिडेट है, जो सीरियस कैंडिडेट है और जो JPSC के माध्यम से अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। JPSC बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है। JPSC मन में नेगेटिव शुरू से बैठ जाते हैं कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, कैसे क्वालिफाई होगा, 2 महीना, ऐसा कुछ नहीं है। आज हम आपको एक ऐसा माध्यम बताएंगे जिस माध्यम के तहत उस रूल को फॉलो करके आप 2 महीना में जो आपका टाइम बचा है, 2-2.5 महीना, 2 मई को एग्ज़ाम, आसानी से आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो क्या है देखिए, इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, सबसे पहले आप सीट की संख्या 252 है, आपको पता है, लेकिन इसमें से काफ़ी कैंडिडेट नेगेटिव माइंड है कि 252 ही सीट है, आपको वो नहीं देखना है, 252 सीट नहीं देखना है, वो सीट बढ़ेगा तो मेरा दावा है, बट वो सभी अभी छोड़िए, अभी आपका 252 है उसको देखिए। अब होगा कि 2-3 लाख फॉर्म भराएगा तो लोग डर जाते हैं, नहीं, उसमें से सीरियस कैंडिडेट कितना है आप अपना क्षेत्र से पता कीजिए। अपना क्षेत्र में रहते दोस्त देखिए कि सब फेसबुक, व्हाट्सअप, सोशल मीडिया में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो कैंडिडेट कितना उसने, आपको एक सीट लेना है और उसमें से आप सीरियस हैं तो आपका आसानी से रिजल्ट होगा, क्योंकि हम आपके साथ हैं पूरा YouTube चैनल में। एकमात्र सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपका टारगेटपुर है और आपको ये टारगेटपुर 100% आपका रिजल्ट करवाएगी। कैसे करवाएगी देखिए, सबसे पहले आप सीट 252 है उसको आप नेगेटिव में पॉजिटिव लें कि आपको एक सीट चाहिए। ठीक है, अब देखिए, एक सीट आपको प्राप्त करना है बट वाकई समय कम है, 2 महीना जो है, 2.5 महीना समय कम है, तो इसको करना कैसे है देखिए, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका 100 प्रश्न है, पेपर 2 में भी आपका 100 प्रश्न है। पेपर 1 आपका सेंट्रल लेवल का रहेगा, पेपर 1 जिसमें से आपका GS में पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस, करंट अफेयर्स, साइंस, ये सब रहेगा। और पेपर 2 आपका झारखंड है, यहाँ भी आपका 100 प्रश्न रहेगा, तो झारखंड GK पेपर 2 में। अब देखिए, पेपर 1 में जो 100 है उसमें से 10 प्रश्न आपका झारखंड से रहेगा, तो इस तरह से झारखंड का अगर कुल प्रश्न कहेंगे पेपर 2 में 100 और वहाँ 10 आपका, तो झारखंड GK से 110 प्रश्न रहेगा। ठीक है, और हम आपको दिखाएंगे कि 110 प्रश्न को कैसे आसानी से आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, बने रहिए वीडियो में। तो 110 प्रश्न आपका झारखंड GK से हो गया और 110 में से आपका करंट कितना रहेगा, 7 रहेगा। ठीक है, इसमें हम बात करें पेपर 2 में जो झारखंड GK है उसमें से 7 प्रश्न आपका करंट अफेयर्स रहेगा, कुल मिला के 110 ही है। ठीक है, अब उसमें देखेंगे कि इसको तैयारी कैसे करना है। 110 नंबर मतलब 110 झारखंड GK × 2 मार्क्स आपका 220 मार्क्स का यहीं पर आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मार्केट में बुक देखिए, बुक तो बहुत अवेलेबल है, बहुत पब्लिकेशन का बुक है और इतना मोटे मोटे बुक है कि आप कम समय में उसको पढ़ के एग्ज़ाम निकालना, तो कम समय में आप ये 220 अंक कैसे प्राप्त करेंगे देखिए, तो बुक तो बहुत है मार्केट में, लेकिन बुक पढ़ के और एग्ज़ाम निकालना इतना समय में पॉसिबल नहीं है, और एक बुक सफिशियंट नहीं होता, एक बुक आपका सफिशियंट नहीं। इसीलिए हमने क्या किया है कि JPSC का जो सिलेबस है, जिस तरह से दिया झारखंड का संविधान, यहाँ पे जनजाति का शासन व्यवस्था, या तो फिर आपदा प्रबंधन से सवाल, CNT से सवाल, जमीन भूमि संबंधी कानून से आप कितना, 12 प्रश्न रहेगा था, 24 मार्क्स रहेगा भूमि संबंधी, जैसे 5 CNT, 5 SPT और विल्किंसन रूल, भू अर्जन और अन्य जो भी है, 12 प्रश्न यहाँ से रहेगा, 24 मार्क्स, मतलब कुल मिला के 24 मार्क्स रहेगा। तो ये पेपर 2 जो है इसके लिए हमने नोट्स तैयार किया और काफ़ी नोट्स बिक चुका है और आपको हम बताएंगे कि नोट्स आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं ताकि आसानी से जो आप 100 यहाँ और 10 यहाँ जो झारखंड 110 प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और रिजल्ट भी आपका होगा, ये आपको खुद विश्वास हो जाएगा जब आप इसको पढ़िएगा तब। ठीक है, तो CNT सहित जैसा सिलेबस में है, ओनली हम JPSC की बात करते हैं, JSSC की बात नहीं करते, ओनली JPSC का सिलेबस से, जैसे झारखंड के साहित्य और साहित्यकार से 5 प्रश्न है, तो बहुत साहित्यकार है, बहुत किताब है,
एक टॉपिक खत्म करने में आपको 15 दिन से ज़्यादा लगेगा, फिर भी आप कंठस्थ नहीं कर पाइएगा। इसलिए केवल हमने वही नोट्स तैयार किया जो आपका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि पढ़ना वही चाहिए जो एग्जाम में आए। आपको स्पेशलिस्ट झारखंड का नहीं बनना है, विशेषज्ञ नहीं बनना है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, नोट्स प्राप्त करना होगा, ठीक है। नोट्स प्राप्त करना जिसमें से आपका CNT SPT सहित, अब CNT SPT से 130 प्रश्न है, देखिए 130 प्रश्न है हमने सेलेक्ट किया है और इसी नोट्स में मतलब आपको मिलेगा। और 130 प्रश्न से ही आपका 12 प्रश्न रहेगा, ये भी मेरा दावा है, 12 प्रश्न एक से रहेगा तो आपको पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो ये नोट्स के लिए आप क्या करेंगे लास्ट में बताएंगे, देख लीजिए। इसके अलावा 7 आपका करंट अफेयर्स रहेगा और एक एक प्रश्न मायने रखता है, 7 तो बहुत दूर की बात है। तो 7 प्रश्न के लिए झारखंड का करंट अफेयर्स कितना पड़े, पागलों की तरफ पूरा पड़े, जबकि 2 मई को आपका एग्जाम होगा, ये भी फिक्स है, 2 मई को ही एग्जाम होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, झारखंड का करंट अफेयर्स 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 तक पूरे एक साल का, पूरे एक साल का करंट अफेयर्स जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन 450 करंट अफेयर्स सिलेक्टेड क्वेश्चन, जिसमें आपको मतलब प्लस है, थोड़ा बहुत प्लस है, 400 प्लस प्लस है, तो इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन है, यही प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब रह गया कि आपका 2 मई को होगा एग्जाम, तो आपका जनवरी पूरा, फरवरी, मार्च, अप्रैल आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि अप्रैल का क्वेश्चन नहीं रहेगा एग्जाम में, उसमें क्वेश्चन बन जाता है अप्रैल, ठीक है। तो ये 3 महीना का करंट अफेयर्स कैसे मिलेगा, तो जो अभी बताएंगे जिसमें आप खरीदिएगा तो उसमें आपको बता देंगे। और उसके टेलीग्राम जो है ना, टेलीग्राम, आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर ये जो 3 महीना बच रहा है आप एग्जाम से कुछ दिन पहले, या फिर टेलीग्राम में प्रत्येक मंथ जो है जनवरी, फरवरी और मार्च मंथली के लास्ट में आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 450 और ये नोट्स, अगर इसको आप पूरा पढ़ लेते हैं, ये पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका क्या होगा, 110 में से आप मान के चलिए 90% क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, और एक चीज़ और आपको बताते हैं, एक चीज़ और, यहाँ तक आपने देखा, और मतलब वही टॉपिक में विशेष ध्यान देना है जिसमें आपका नंबर उठ जाएगा, आसानी से आप क्वालिफाई कर जाएंगे, बिल्कुल आसानी से। अब यहाँ पे देखिए, पेपर 1 जिसमें आपका सेंट्रल से है, पेपर 1 में सेंट्रल से है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, ठीक है, मिसलेनियस से, विविध करंट अफेयर्स है, उसमें से आपका 90 प्रश्न, क्योंकि 10 तो आपका झारखंड से ही रहेगा, तो आपका 90, और उस 90 में से 20 आप देखिए सिलेबस, देखिए अगर सिलेबस नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सिलेबस का भी वीडियो बना हुआ है, पेपर 1 का भी है, पेपर 2 का, आप सिलेबस देखिए कि कैसा दिया है, ठीक है। बिल्कुल सिलेबस के अनुसार 15 प्रश्न लिखा हुआ आपका करंट अफेयर से रहेगा, और 15 प्रश्न मिसलेनियस से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे WTO, UNO, WEF, इस तरह से बहुत सारे, यूनेस्को, यूनिसेफ, तो उसका उससे वहाँ 5 करंट अफेयर्स वहाँ से रहेगा, और 15, तो 15 + 5 करंट अफेयर्स आपका 20 करंट अफेयर्स पेपर 1 में रहेगा, 20 करंट अफेयर्स। और इसके लिए 20 करंट अफेयर्स में हमने 500+ करंट अफेयर्स का जो है, आपको 500+ करंट अफेयर्स मिलेगा इसी चैनल के माध्यम से। और इस तरह से आपका 120 यहाँ, सॉरी यहाँ 20 हो गया आपका, और 110 कुल मिला के 130 प्रश्न का आपको नोट्स इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। फिर इसमें बच जाता है हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, तो नॉर्मल चीज़ है, कोई भी एग्जाम है जनरल कंपटीशन में आप वही हिस्ट्री पढ़ते हैं, वही पॉलिटिकल पढ़ते हैं, वही इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, वही जियोग्राफी पढ़ते हैं, वो सब नॉर्मल है। आपका जो क्वालिफाई होगा PT जो आप पास करेंगे, ये आपका 130 नंबर यहाँ रोल रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए, इसके अलावा हम टेस्ट सीरीज की बात करेंगे, लेकिन टेस्ट तो ही इम्पोर्टेंट है। कहता है कि आप लाख पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं। कितनों डीप पढ़ लीजिए, अभ्यास करना ही होगा। जैसे कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज डिपेंड ऑन हिज प्रैक्टिक्स, तो इट इज़ नॉट फॉलो ओनली मैथमेटिक्स, या मैथमेटिक्स से फॉलो नहीं होता, हर जगह फॉलो होता है कि अभ्यास आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना आसानी सब क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इसलिए टेस्ट सीरीज में आपको पार्टिसिपेट करना है। थोड़ा सा बताए थे जब हम सिलेबस का वीडियो अपलोड किए थे, उसमें बताए थे हिमा दास के बारे में कि लगातार 1 महीने में 5 गोल्ड मेडल जीत ली, और जब वो इंटरव्यू दे रही थी प्रेस मीडिया के सामने, तो मीडिया वाले बोले कि आपका नसीब बहुत अच्छा है, आपने रातों रात आपका मतलब क्या कहते हैं किस्मत चमक गया, पूरा दुनिया में आपको जान गया, आज जिस जूते को आप पहनने के लिए पैसा नहीं होता था आज आप उसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है, आप तो बहुत लकी है। तो हिमा दास ने क्या कहा था कि ये रातों रात नहीं है, जो हमने 100 मीटर का दौड़ा है 10 सेकेंड 8 सेकेंड जो भी समय था उसमें उसका 10 साल का अभ्यास था। इसलिए आज कहिएगा कि अभ्यास बहुत ज़रूरी है, एक्सपीरियंस इज बेटर देन नॉलेज, अनुभव होना चाहिए, ठीक है, नॉलेज से भी ज़्यादा बड़ा अनुभव होना चाहिए। इसके लिए
टेस्ट सीरीज का हम चर्चा करेंगे, लेकिन टेस्ट सीरीज का चर्चा बाद में करेंगे। आपको बताते हैं इन जो हम बताएं इनके अलावा भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ये नंबर आप देख सकते हैं डिटेल्स के लिए, नंबर आपका सामने बोर्ड में लिखा हुआ है, आप इस नंबर को नोट्स मतलब ये से भी कर सकते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कॉल करके बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो झारखंड का नोट्स है, झारखंड का नोट्स है सीएनटी एसपीटी सहित, जिसमें से 110 प्रश्न रहेगा। ये नोट्स लेने के लिए, नोट्स लेने के लिए आपका 299 रुपया फी रखा गया, जो बहुत कम है, ठीक है, बिल्कुल सिलेबस पर आधारित है, ठीक है। 299 रुपये फी रखा गया है। आप इस नंबर पे गूगल पे या तो पेटीएम करेंगे, और पेटीएम इस नंबर पे करने पर इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या तो फिर अगर किसी प्रकार की दिक्कत होता है तो आप पहले कॉल में बात कर लीजिए, ठीक है, कॉल में इसमें बात कर लीजिए, उसके बाद गूगल पे पेटीएम कीजिए, फिर आपका व्हाट्सअप नंबर में आपको झारखंड का जो नोट्स है, जो पेपर टू का नोट्स है, जो सीएनटी एसपीटी का जो 130 प्रश्न है, सारा कुछ आपका मात्र 299 रुपया में मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 7 प्रश्न जो करंट अफेयर्स है, जो बिल्कुल सेलेक्टेड है, नहीं मिलेगा ऐसा सेलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, इसके लिए भी आपको वही सिस्टम में गूगल पे और पेटीएम करना है। इसका मात्र 49 रुपया है, आपका करंट अफेयर्स के लिए मात्र 49 रुपया है, और साथ में जो जनवरी फरवरी मार्च जो एग्जाम तक आएगा वो बिल्कुल फ्री आपको दिया जाएगा। अभी एक साल का आपके लिए मात्र 49 रुपया लगेगा, और जनवरी, ये तो एक साल का है, फिर अभी जनवरी फरवरी और मार्च दिया जाएगा, फिर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए आप टेलीग्राम में हमारा बने रहे, तो इस प्रकार से, और व्हाट्सअप नंबर यही है, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर भी मेरा यही है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज का, क्योंकि टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट क्या करना है, देखिए जो आप पढ़ रहे हैं, एक जरूर बताने भूल गया आपको कि पढ़ना कैसे, देखिए तो हमारा चैनल जो टारगेट पूरे है बिल्कुल जेपीएससी के सिलेबस के माध्यम से, सुबह शाम आप अभी भी जाकर देख सकते हैं, ये वीडियो देखने के बाद सुबह शाम वीडियो अपलोड हो रहा है, हिस्ट्री का भी अपलोड हो रहा है, जियोग्राफी का लगभग अपलोड है, जो बाकी वो भी अपलोड है। जियोग्राफी आपका 80% प्लस अपलोड हो चुका है, हिस्ट्री का सुबह शाम अपलोड हो रहा है, और जैसे हिस्ट्री का खत्म होगा ऑल वीडियो रिकॉर्डेड है, जैसे हिस्ट्री का अपलोड हो जाएगा फिर आपका जो जो भी सिलेबस में है सारा वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप वीडियो देखिए, क्योंकि यूट्यूब में ऐसा ऐसा चैनल है जो एक टॉपिक पर घंटों समय बिता देता है। आप सोचिए कि एक टॉपिक, चाहे कोई भी विद्रोह हो, कोई भी टॉपिक हो, एक टॉपिक में एक घंटा लगता है, तो कैसे जेपीएससी क्वालिफाई होगा इतना कम समय। इसलिए हमारा प्रत्येक वीडियो 20 मिनट से 22 मिनट के बीच में, कुछ 25 मिनट में है, लगभग 20 से 22 मिनट में है, और उन्हीं में है जो आपका एग्जाम में रहेगा, वह सभी कंटेंट है जो एग्जाम में ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप क्या करें, YouTube में जितने भी वीडियो हमारा अपलोड है उसको देखें, समझें, और साथ ही हमारा नोट्स आपको क्या करें, ले ताकि आसानी से आपका एग्जाम क्लियर हो सके। और टेस्ट के लिए आपका क्या है, प्रत्येक संडे को टेस्ट होता है, प्रत्येक संडे को सुबह 7 बजे से 8 बजे तक शाम को, ठीक है, 8 बजे तक शाम को क्या होता है, एक लिंक आपको दिया जाएगा, इसके लिए आप कॉल में बात कर सकते हैं और व्हाट्सएप में भी भेज सकते हैं, आपको डिटेल्स चाहिए तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको एक लिंक दिया जाएगा संडे को, फिर हमारा जो ग्रुप चलता है, काफ़ी ग्रुप है, तो जो ग्रुप चलता है उस ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, और प्रत्येक संडे को सुबह लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और उस लिंक के माध्यम से आप टेस्ट आसानी से दे सकते हैं। टेस्ट के लिए अगर आप केवल एक संडे का टेस्ट मतलब पे करना चाहते हैं तो मात्र 20 रुपया है, उसका भी गूगल पे और पेटीएम यही नंबर है, और आप एक साथ एग्जाम तक के लिए, सेकेंड मई जैसे आपका एग्जाम होगा तो सेकेंड मई तक के लिए आप पूरा टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारा टेस्ट हो गया है, और अब वो टेस्ट में भाग कैसे लेंगे, अभी आप 20 रुपया देंगे तो जो नहीं हुआ उसमें आप देंगे, लेकिन जो टेस्ट हो गया वह भी लिंक हम आपको पर्सनली व्हाट्सअप के माध्यम से दे देंगे, ठीक है। तो आप पूरा टेस्ट पेपर टू के लिए 199 रुपये टेस्ट में भाग ले सकते हैं, और सारा टेस्ट दे सकते हैं, और अपने आप को क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं कि हाँ आपका तैयारी हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा, लेकिन एक बात है, यह जो ऑफर है, एक तरह से ऑफर के कहने का मतलब जो नोट्स मिलेगा आपका, ये मतलब सीमित समय के लिए है, ऐसा नहीं कि एग्जाम तक हम आपको एग्जाम तक मतलब लगातार नोट्स देते रहेंगे, नहीं, कुछ समय तक आपको मिलेगा, मात्र 15-20 दिन जितना दिन होगा, इसके बाद यह बंद हो जाएगा। तो जितना जल्द हो सके आप पेपर टू का नोट्स, पेपर टू में जो करंट अफेयर्स रहेगा, और पेपर वन में जो 20 प्रश्न करंट अफेयर्स रहेगा, इसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं की है, इसको भी मतलब 2-4 दिन में आपका इसका जो सूचना होगा टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। और एक बात और क्या है, देखिए ये जेपीएससी का जो पेपर टू है जिसका फी रखा गया है 299 रुपया, और जो टेस्ट का है एग्जाम तक जो 2 फरवरी होगा तब तक के लिए जो टेस्ट है 199 रुपया है, और झारखंड करंट अफेयर्स का आपका कितना है 49 रुपया है। और इस प्रकार से
कुल मिला के आपका लगभग कितना हो जाता है, 200-300 इधर 500 प्लस हो जाता है, 550 रुपये लगभग हो जाता है। तो ऐसे में क्या है, जो सब लेना चाहते हैं जिसके बारे में चर्चा किए, इन सभी का एक कॉम्बो पैक की तरह अगर आप पूरा चाहिए, जेपी झारखंड का भी चाहिए, करंट भी चाहिए और सेंट्रल करंट भी चाहिए, तो इसके लिए यहाँ भी आपको छूट दिया जाएगा। अगर पूरा लेते हैं तो मात्र 499 रुपये में आपका सब कुछ CNT सहित प्रोवाइड किया जाएगा। और एक चीज़ याद रखें, जो नए कैंडिडेट है याद रखिएगा, ये झारखंड है, ठीक है, अवसर बार बार नहीं आता है, ठीक है। और जो पुराने कैंडिडेट है, जो अभी तक किसी भी कारण से, मैं उनका चर्चा नहीं करूंगा, मिस्टेक हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ गलती करते हैं जिसके कारण उसे असफलता का सामना करना पड़ता है, तो जो पुराने कैंडिडेट है उसको तो अनुभव होगा, इसलिए उनसे भी मेरा निवेदन होगा एक तरह से कि इस अवसर को आप अपने हाथ से जाने नहीं दें। और एक बात आपको बताते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, आप दूसरे का मदद करें और दूसरे से मदद लें, दूसरे का मदद करें और दूसरे से मदद लें, किसी से शर्माना नहीं है। अगर आप जूनियर है और वहाँ से अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो वहाँ भी मदद लें। और इसी तर्ज पर आप इस वीडियो को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन सभी दोस्तों के पास पहुँच जाएगा, उन सभी बहनों के पास पहुँच जाएगा जो एक वाकई रियल में JPSC का कैंडिडेट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।